देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। आज हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश के द्वारा राजस्थान में राजनीतिक उठापटक की अनिश्चितता वाली स्थिति को देखते हुए एक बयान जारी करते हुए कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए सम्मानित साथियों को पार्टी लाइन से हटाकर संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। राजस्थान की सरकार ने दो बार मंत्रिमंडल में सदन आउट करने का निर्णय लेकर माननीय राज्यपाल महोदय जी से सदन आउट करने का अनुरोध किया, परंतु राज्यपाल महोदय सदन आउट करने से निरंतर बच रहे हैं। सदन वह मंच है जहाँ से सरकारें विश्वमत सिद्ध करती आ रही हैं। इंदिरा का कहना है कि राजस्थान के माननीय राज्यपाल को मंत्रिमंडल के निर्णय के आधार पर सदन आहूत कर सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि संवैधानिक पदों पर बैठे महानुभावों पर उंगली उठाई है लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं होते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष के द्वारा कहा गया कि राजस्थान में अनिश्चितता की स्थिति को समाप्त करने के लिए राज्यपाल महोदय के द्वारा सदन आहूत किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि राजस्थान की जनता राहत की सांस ले सके और इससे सरकार का इस कठिन दौर में राज्य हित के कार्य कर सके। तिकड़मबाजी से राज्य की सरकार को गिराने की साजिश लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगी। आम जनता को भी काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, साथ ही राज्य के सभी महत्वपूर्ण कामों पर इसका असर पड़ सकता है। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से अतुल अग्रवाल की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्पोरेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए माननीयों को संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए पार्टी लाइन से हटकर संवैधानिक मर्यादा का पालन करना चाहिए। राजस्थान में मंत्रिमंडल ने दो बार ये प्रस्ताव पारित कर दिया है कि सदन आहूत किया जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सम्मानित विधायक राज्यपाल जी के आवास पर गए और उन्होंने अनुरोध किया, परंतु अभी तक सदन को आहूत करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सदन ही सदैव वो मंच होता है जहां सरकार अपना विश्वास मत सिद्ध करती है और राज्यपाल सदन आहूत करते हैं। अब जब स्वयं सरकार की ओर से अनुरोध किया गया, उस पर भी यदि सदन आहूत नहीं हो रहा है तो अनिश्चितता की स्थिति राजस्थान में बनी हुई है। अनिश्चितता की स्थिति से राजस्थान को उबारना चाहिए और तत्काल सदन आहूत कर विश्वास मत हासिल करने का निर्देश मंत्रिमंडल को दिया जाना चाहिए और उसके बाद सरकार स्थिर होकर कार्य करे और आगे बढ़े। सभी विभिन्न पार्टियों की सरकारें राज्यों में होती हैं और गवर्नर किसी भी पार्टी का सदस्य हो सकता है, परंतु जब संवैधानिक दायित्वों का प्रश्न आता है तब वो संविधान की परंपराओं और संविधान के निर्देशों के अनुसार सदन आहूत करता है और अनिश्चितता की स्थिति समाप्त करता है। राज्यपाल जी का भी ये दायित्व है और देश की सरकार और राज्यों की सरकारों की भी ये जिम्मेदारी है कि अस्थिरता का माहौल समाप्त हो। तिकड़मबाजी से सरकार गिराने का षड्यंत्र यदि होगा तो लोकतंत्र माफ़ नहीं करेगा, ये जनतंत्र और लोकतंत्र के हित में भी नहीं है। अतः मेरा अनुरोध है तत्काल सदन आहूत कर अनिश्चितता की स्थिति समाप्त की जाए।